Hey guys, good morning. आज है 20th December. मैं जो है जा रही हूँ आगरा एंड उसके बाद हम मथुरा भी जाएंगे. तो आई एम बैक विद माई व्लॉग्स एज यू कैन सी ऑफ कोर्स. एंड मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ सारी चीज़ें जो है शेयर करने के लिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं और मेरा पूरा ट्रिप कैसा रहता है. सो प्लीज़ बी एक्साइटेड एंड इस व्लॉग को जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना. एंड या फ़िलहाल तो एवरीवन इज़ जस्ट गेटिंग रेडी और मैं रेडी हूँ. और आई थिंक मुझे अपने थोड़े से बाल ठीक करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रेडी. चलिए अब हम चलते हैं. हम लोग जो है ऑलमोस्ट आगरा पहुंच चुके हैं एंड वी हैव स्टॉप्ड हियर. यहाँ एक ढाबा भी है. हमें जो है मेरे पापा ने जो ड्राइवर भेजा है घुमाने के लिए मैं आगरा, तो वहाँ से हम जो है उस कार में जाएंगे और आगरा में घूमेंगे. उसके बाद वी विल बी आई थिंक गोइंग टू मथुरा एंड हम वहीं पर रात को सोएंगे गेस्ट हाउस में. ओके गाइज, हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं बिकानोज चाट कैफ़े पे एंड वी आर ड्रिंकिंग टी हियर. और कुल्हड़ वाली जो चाय होती है टिपिकल, वो हम ले रहे हैं. एंड मैं आपको बताती हूँ कैसी है टेस्ट में, बिकॉज ठंड में तो चाय और कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है. सो लेट्स जस्ट टेक चाय नाउ. ओके गाइज, हमारी जो है ज़ाइलो कार आ गई है एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस कार. और अभी हम जो है लगेज को ट्रांसफ़र करेंगे अपनी कार से उस कार में. सो लेट्स जस्ट डू दैट. ओके गाइज, वी हैव रीच्ड ताजमहल और अब हम जो है डायरेक्टली अंदर ही जा रहे हैं. और टिकट हमें नहीं ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग आज जो है शायद वीआईपी एंट्री वाले गेट से जाने वाले हैं. Just go inside the Taj Mahal. That is the view, and हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं. We are finally inside the Taj Mahal entry and अब हम जा रहे हैं. और मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा व्यू and it is quite exciting I guess. I'm not so excited right now because अभी मुझे ताज महल दिखा नहीं है but let's see. फ़िलहाल मुझे दिखा है ये जो कि बहुत सुंदर है. मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पूरा व्यू. Now this is looking pretty. कैसा लग रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ. बहुत बढ़िया. Have to see this. This is very very pretty. And हम सोच रहे हैं गाइड को लेना. वैसे तो हमें बहुत कुछ पता ही है already. But let's see. और हम खड़िया स्टेट को बोलते हैं कोरकोट एरिया. कोर्ट एरिया इसलिए बोला जाता है कोर गेट और कोरी गार्डन. इस गेट से आपने एंट्री ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, पीछे जो आप गेट देते हैं लेबर कॉलोनी के सामने आप गेट देते हैं मेन एंट्रेंस रॉयल गेट शाही दरबार. साझा की 3 बीबियाँ थी और 11 इसके बैटमैन. टोटल 22 रूम थे. जिस समय ताजमहल बना था उस समय घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर, कैलेंडर ऐसा कुछ भी नहीं था. और जो वर्कर थे वो मुस्लिम वर्कर थे. उनका एक कैलेंडर होता है जैसे बोलते हैं इस्लामिक कैलेंडर, जैसे मुस्लिम कैलेंडर ही बोला जाता है. वो होता है 1 ईयर के लिए. तो ताजमहल 22 साल में बनकर कम्प्लीट हुआ था. और ताजमहल एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है तो इनको 11-11 में दोनों साइड में डिवाइड कर दिया गया था. ठीक है सर। उसके नीचे आप देखें थ्री साइड बॉर्डर पे कुछ लिखा हुआ है और बीच में फूल पत्तियाँ डिजाइन बना हुआ है। हाँ जी, ये कोई कलर पेंट नहीं है, ये जो भी आप देख रहे हैं जेम स्टोन और सेमी पीस स्टोन। ओके, ब्लैक स्टोन से जो आप देख रहे हैं जो कुरान का फर्स्ट चैप्टर है उसे अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो नीचे में छोटा है, ऊपर में बड़ा है। उसका रीजन है कि हाइट की चीज हमको देखते हैं छोटी दिखाई देती है और नीचे वाला एकदम सेम साइज दिखाई देता है। नाउ वी आर एक्चुअली एबल टू सी द एक्चुअल ताजमहल एंड आई विल शो यू। ऑल द स्काइज दे विल ऑल लुक ब्लू, वन sacrifice no more peace and that is the beautiful ताजमहल। oh my god, मैं ताजमहल के 4 व्यू होते हैं। सुबह आप मॉर्निंग में देखेंगे थोड़ा हल्का रेड कलर का दिखाई देगा, अभी आप देखते हैं थोड़ा एकदम व्हाइट दिखाई देगा, शाम को देखेंगे थोड़ा येलो कलर का दिखाई देगा और नाइट में देखेंगे तो मिल्की क्रीम दूधिया कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन है जिसमें जितना भी स्टोन जो लगाया गया है वो ट्रांसपेरेंट स्टोन लगाया गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं शेयर को बोलते हैं 16 कोर्ट यार्ड एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन और ताजमहल भी 1653 में कम्प्लीट हुआ था, ये इस बात का सिंबल देता है। Guys, you have to see this water. This is so clean. एक टिपिकल पोज दिखाती हूँ जो लोग ताजमहल पे करते हैं, स्पेशली कपल्स। This. You have to see the background. This is so pretty and this side it is that is Taj Mahal and this is water. This is so cool. A platform बना हुआ है जहाँ से ताजमहल की और अच्छे से व्यू आता है। So let's go on this. गाइज हमने इस बैकग्राउंड के साथ जो है फोटो खिंचवाई है एंड इट इज लुकिंग सो प्रिटी। गाइज दिस वे देयर इज ताज म्यूजियम एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर, दैट इज ताज म्यूजियम। Guys, see हमें क्या पहना दिया है ताजमहल में घुसने से पहले। You have to wear these. So this is the masjid opposite ताजमहल. You can see, and this is our ताजमहल. Oh my God. It is so hot. मैंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं. So I'm feeling so hot right now. नीचे वाला जो आप डिजाइन देख रहे हैं शाहजहाँ की क्राउन का डिजाइन है, ऊपर वाला मुमताज के क्राउन का डिजाइन, वो वाला मुमताज के क्राउन की डिजाइन है, दिस इज शाहजहाँ के क्राउन का डिजाइन। The Taj Mahal and अंदर कब्र है मुमताज़ जी एंड शाहजहाँ की and now we are just going outside. So अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, so I couldn't make much content and now we are just going outside. If you see this guys, this is Yamuna river and if you see this side, this is the Taj Mahal और इसकी back side पर Yamuna river है and here you go. और ऊपर तक प्लेन है, यहाँ से देखेंगे एकदम प्लेन दिखाई देगा, जब दूर से देखेंगे और अंदर से ऐसा लगेगा जैसे बीच से कटा हुआ है और अंदर को धंसा हुआ पेड़। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप देखेंगे मोटरसाइकिल। बाय बाय ताज महल। दिस इज राधा स्वामी मंदिर। कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, सो यहाँ पर जो है या तो आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं और रख के आना पड़ता है। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे एंड हम जा रहे हैं सिकंदरा। अकबर का मकबरा इज़ द प्लेस एंड यहाँ पर जो है 4:50 इन द इवनिंग इज़ द लास्ट टाइम टू एंटर इनटू दिस मोन्यूमेंट। तो इस वजह से हम लोग फटाफट से एंट्री कर लेंगे और अब हम बहुत थक चुके हैं, तो मैं बस सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी फ़ोटोज़ आ जाए। बाकी मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ऑलरेडी। बट लेट्स सी, हो सकता है अंदर से कैसा है क्या है पता नहीं, देखते हैं अंदर जाके ही। बट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर व्यू कैसा है। फ्रॉम देयर वी हैव एंटर्ड एंड कार पार्क करने की जगह है ये and this is the place. यहाँ पर पहले एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद we can go. मम्मी मौसी दोनों हाय करो, हाय। Actually we can see वो जो दिख रहा है वो है actual मकबरा, तो हमको उधर जाना है। एंड इस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है बिकॉज इट्स इवनिंग टाइम। गाइस, दिस इज द प्लेस। That is the मकबरा। एंड यहाँ पर आपको डियर और पीकॉक और लंगूर हर चीज़ मिल जाएगा। सो ओके गाइज, दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड यहाँ पर एक सीट है बैठने के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे सीटिंग ऑप्शंस हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सनसेट का टाइम भी हो रहा है, वहाँ पे आपको सन दिख जाएगा। मौसी मम्मी और मौसा जी जो है गए हैं अंदर देखने, बट मेरा मन नहीं था बिकॉज आई एम सो टायर्ड, सो आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों आपसे थोड़ी चिट चैट कर लूँ। और बाय द वे वो जो आपको पीछे दिख रहा है दैट थिंग, वहाँ से हम एंटर किए थे और काफ़ी सिमिलर है हुमायूं टॉम्ब से ये प्लेस। मतलब एंट्रेंस जैसा होता है वैसा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो ऑल इन ऑल आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप घूम सकते हो एंड मैंने आज जो है हमने 3 चीज़ें घूमी हैं एंड जो राधा स्वामी मंदिर था वहां पर कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन वो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही बारीकी का काम किया गया है उस मंदिर में एंड इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बट आपको डेफिनेटली वहाँ विज़िट करना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड हमने ये 3 चीज़ें कवर की हैं, लेकिन हम जो है परसों फतेहपुर सीकरी या फिर रेड फोर्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट आज के लिए हमारा इतना ही था ट्रिप में। ओके गाइज, नाउ वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर कार और हम कार लेंगे अपनी दूसरी वाली, जायलो नहीं होंडा सिटी, और उसके बाद जो है हम जाएंगे अपने गेस्ट हाउस। As soon as we enter, we get 2 sofa. यहाँ पर हमें सोफ़ा मिलता है एंड दिस साइड दिस इज़ आवर बेड, मेरी मम्मा और मैं शेयर करेंगे। दैट इज़ द ड्रेसिंग टेबल, दैट इज़ द वॉशरूम, ये अलमारी है एंड दिस इज़ द टीवी जो कि मेरा सबसे फेवरेट होने वाला है क्योंकि मुझे बिग बॉस देखना है। वो हमारा सामान है।